नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र की मोदी सरकार अपनी बोल्ड और तुरंत लेने वाले निर्णयों के लिए जानी जाती है। ऐसा ही कुछ निर्णय इस बार उसने लिया है। जी हां, राष्ट्र निर्माण में निजी क्षेत्र के प्रभावशाली और प्रेरणादायी लोगों का सहयोग लेने के लिए सरकार ने कई विभागों में वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर सीधे भर्ती का फैसला किया है। यह भर्ती संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC परीक्षा से इतर होगी और इसमें संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। प्रयोग के तौर पर फिलहाल 10 पदों पर भर्ती की जाएगी। प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार सरकार प्रतिभाशाली लोगों को आमंत्रित कर रही है। ये लोग राजस्व, आर्थिक सेवाओं, आर्थिक मामलों, कृषि समन्वय, कृषक कल्याण, सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी, पर्यावरण, वन और पर्यावरण, नई और अक्षय ऊर्जा, नागरिक उड्डयन और वाणिज्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए आमंत्रित किए गए हैं। केंद्र सरकार के नियुक्ति और प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है कि भारत सरकार प्रतिभाशाली लोगों की सेवाएं संयुक्त सचिव स्तर पर लेकर उन्हें राष्ट्र निर्माण से जोड़ने की इच्छुक है। यह नियुक्ति शुरुआत में 3 साल के लिए होगी। अगर प्रदर्शन अच्छा देखा गया तो इसे 5 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। ये लोक विभाग के सचिव और अतिरिक्त सचिव के बराबर कार्य करेंगे, जो आमतौर पर IAS, IPS, IFS और अन्य अधीनस्थ सेवा के लिए होता है। वैसे केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव स्तर की अधिकारी भी इन्हीं सेवाओं से आते हैं। इनकी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा त्रिस्तरीय परीक्षा के जरिए की जाएगी। निजी क्षेत्र के जिन विशेषज्ञों को सरकारी सेवाओं के लिए आमंत्रित किया गया है, उनकी 1 जुलाई 2018 को न्यूनतम 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए। अतिरिक्त योग्यता वाले आवेदनकर्ता को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इन पदों के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी भी आवेदन कर सकते हैं। चयन योग्यता अनुसार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में उपक्रमों, स्वायत्त संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थाओं में कार्यरत लोग भी आवेदन कर सकते हैं। उनके लिए 15 साल का अनुभव आवश्यक होगा। चयनित अधिकारियों को संयुक्त सचिव के लिए अनुमेय 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए का वेतनमान मिलेगा। भत्ते और सुविधाएं इसके अतिरिक्त होगी। इन पदों के लिए 30 जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं। सूचीबद्ध किए जाने वाले लोगों को साक्षात्कार के बाद नियुक्ति दी जाएगी। धन्यवाद। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मोदी सरकार का ये फैसला राष्ट्र निर्माण में सहयोग देगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।